हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के अब में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 की नई वाली बुक, जो कि 2024-25 के लिए आई है। पहले भी मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं पिछले एडगेट के, लेकिन अब मैंने इसमें देखा कि सब बदल गया है, तो मैंने उस हिसाब से सोचा कि आपको फिर से इसके वीडियो डाले जाएं। इसलिए आज अपन देखेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 1, जो कि है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा में बच्चों अपन बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, भाग्य पर इठलाऊ से आशय है। इसका उत्तर है भाग्य पर गर्व करना। प्रश्न नंबर 2 है, पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? तो आप बताएंगे बनवाली से। किससे कही है? बनवाली से। प्रश्न नंबर 3 में है, कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो आप इसका उत्तर लिखें बंद कर। बंद कर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से अपन को संज्ञा शब्द छांट के लिखना है, जो कि आपका है बी वाला पथ। और पांचवा प्रश्न है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है। तो क्या आशय है? आप लिखेंगे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है मातृभूमि के लिए बलिदान देना। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनसे अपन को रिक्त स्थान भरना है। जैसा कि प्रश्न नंबर 6 में है, पुष्प के रास्ते पर डलना चाहता है, तो किसके रास्ते पर डलना चाहता है? भीरों के। सातवें वाले प्रश्न में देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 8 है, हे हरि का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। किसके लिए? भगवान के लिए। और नवे वाले प्रश्न में अभिलाषा शब्द का अर्थ इच्छा है, इच्छा आएगा इसमें। और दसवा वाला प्रश्न है, बनवाली ने फूल तोड़ा वाक्य में क्रिया क्या होगी? तोड़ना। अब अपन देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में अपन को उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 11 है, सुरवाला के गहने किससे गुथे हैं? तो आप उत्तर में लिखिए सुरवाला के गहने पुष्पों से गुथे हैं। 12वां प्रश्न है, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? तो आंसर है इसका, मातृभूमि वीरों से देश प्रेम, त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखती है। प्रश्न नंबर 13 है, शीत शब्द का अर्थ शब्द को उससे खोज कर लिखिए। तो आप इसमें लिखिए शीत माने सिर। और प्रश्न 14 है, पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाना है। जैसा कि पथ माने होता है रास्ता, वाक्य बनाइए, मेरे घर का पथ पूर्व दिशा में है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हरि, हरि का वाक्यों में प्रयोग करना है, तो आप लिखो श्री हरि सबके रक्षक है। हरि माने भगवान होता है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा है भाग, तो आप लिखो हमें अपने भाग पर इतराना नहीं चाहिए, जैसे कुछ लोग इठलाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बनवाली बगीचे में क्या क्या करते हैं? तो उत्तर में लिखो बनवाली बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल, निदाई, कटाई, सिंचाई आदि करते हैं। 17वां वाला प्रश्न है, कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। उत्तर में आएगा पढ़ना, लिखना, बोलना। 18वां प्रश्न है, कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो, हे वनवाली तुम मुझे तोड़ लेना। तो इसका अर्थ निकालिए आप, मुझे तोड़ लेना वनवाली। जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, अर्थात जिस पथ पर जाए वीर अनेक। अब अपन देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यदि पुष्प की जगह पुस्तक
अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती थी, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर में आप लिखिए, पुस्तक बोल रही है, मुझे साफ़ सुथरा रखा जाए, मुझ पर कवर चढ़ाया जाए, प्रतिदिन मुझे खोला जाए और पढ़ा जाए, मेरे अंदर की जानकारी को ग्रहण किया जाए। अब प्रश्न नंबर 20 आता है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों? उत्तर में आएगा, पुष्प ने कहा है कि मुझे तोड़कर बनवाली उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं और वे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने शीश को भी नछावर कर देते हैं। अर्थात पुष्प की अभिलाषा यही थी कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर। ठीक है बच्चों, यह आपका पाठ एक पुष्प की अभिलाषा पूर्ण संपूर्ण होता है। अपन फिर से मिलते हैं पाठ दो में, बुद्धि का फल। यदि आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।